रेडी स्टार्ट। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए यह पिटीशन फाइल किया गया है। स्टॉप। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 की धारा 3(1) के अधीन सरकार द्वारा तारीख 13 अगस्त 1981 को पारित निरोध आदेश के द्वारा निरुद्ध व्यक्ति धर्म कन्नू जान को निरुद्ध किए जाने का निर्देश दिया गया था और उक्त आदेश पुलिस के सर्किल इंस्पेक्टर वीज हिंजम द्वारा पिटिशनर को गिरफ्तार करके तारीख 19/8/1981 को निष्पादित किया गया और उसे केंद्रीय कारागार त्रिवेंद्रम में निरुद्ध किया गया था। स्टॉप। आदेश प्रदस्त P(1) में यह उल्लेख किया गया है कि उसे माल की तस्करी करने और तस्करित माल का कारोबार करने से निवारित करने की दृष्टि से निरुद्ध किया जा रहा है। स्टॉप। निरोध के आधार उसे 20/8/1981 को तामील किए गए थे। स्टॉप। संक्षेप में यह कहा जाए तो आधारों से यह प्रकट होता है कि निरुद्ध व्यक्ति के विरुद्ध निम्नलिखित सामग्री थी। 1989 के प्रारंभ में सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर के कार्यालय को यह आसूचना प्राप्त हुई थी कि निरुद्ध व्यक्ति और उसके भाई डी जोसेफ यंत्र चालित वोटों द्वारा लंका से भारत में तस्करित माल को लाने में लगे हुए हैं और वे ऐसा तस्करित माल तमिलनाडु और दक्षिणी केरल में बेच रहे हैं। स्टॉप। फरवरी 1981 में इस प्रभाव की विशिष्ट जानकारी होने पर कि विनिर्दिष्ट माल तमिलनाडु केरल की सीमा पर पोजीयूर नामक स्थान पर उतारा गया है। सीमा शुल्क निवारक आसूचना एकक त्रिवेंद्रम के अधिकारियों ने कार्रवाई की और 3 सप्ताह की कालावधि में जो 7/2/1981 से शुरू होती है सूती वस्त्रों इलेक्ट्रॉनिक सामान और विदेशों में निर्मित अन्य कई प्रक्रियाएं वस्तुएं कालिया काविला और त्रिवेंद्रम से विभिन्न व्यक्तियों से अभिग्रहित की। स्टॉप। इस अभिग्रहण के परिणाम स्वरूप संबंधित व्यक्तियों से लेखबद्ध किए गए कथनों से यह बात स्पष्ट रूप से ज्ञात साबित होती है कि पोजीयूर में विनिषिद्ध माल उतारे जाने के लिए योजना बनाने वाले व्यक्ति निरुद्ध व्यक्ति और उसका भाई जोसेफ थे और यह कि निरुद्ध व्यक्ति ने विभिन्न स्थानों पर तस्करित माल को छिपाने और संग्रहित करने में सक्रिय भाग लिया था। स्टो। अतः निरुद्ध व्यक्ति को जो त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर रखे गए आर्म्ड रिजर्व का हेड कांस्टेबल है, विस्तार से परिप्रसन्न करने के लिए सम्मन किया गया था। स्टॉप। 10 फरवरी 1981 को हवाई अड्डा सुरक्षा सर्किल इंस्पेक्टर के माध्यम से निरुद्ध व्यक्ति को एक सम्मन जारी किया गया और उसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालय में
एक बजे दिन में लाया गया और अपराह्न में 3 बजे से 7 बजे तक सायंकाल तक परिप्रसन्न किए गए स्टॉप जिन व्यक्तियों से माल अभिग्रहित किया गया था उन्हें और अभिग्रहित माल को श्री जॉन के समक्ष लाया गया स्टॉप उन व्यक्तियों ने मृत व्यक्ति की ऐसे व्यक्ति के तौर पर शिनाख्त की जो उनके कामकाज के स्थान पर रेडियो टेप रिकॉर्ड्स सूती वस्त्र आदि लेकर जाया करता था और पैसे इकट्ठा करता था स्टॉप यद्यपि परिप्रसन्न किए जाने के दौरान निरुद्ध व्यक्ति ने ऐसे संव्यवहार का प्रत्याख्यान किया है स्टॉप किंतु 11 फरवरी 1981 को प्रातःकाल अधिकारियों से आकस्मिक रूप से बातचीत करते हुए उसने यह प्रकट किया कि वह तस्करी माल का कारोबार करता था और स्टॉक